नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। किसानों का कृषि बिल को लेकर के विरोध अभी भी जारी है। दिल्ली के इंडिया गेट पर पंजाब यूथ कांग्रेसियों ने ट्रैक्टर भी फूंक दिया। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह धरने पर बैठे। वहीं हरियाणा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। पल पल दिल्ली से विशेष रिपोर्ट। इंडिया गेट पर पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सोमवार सुबह ट्रैक्टर में आग लगा दी। संसद में पिछले सप्ताह पारित हुए कृषि विधेयकों के विरोध में किसानों और विपक्षी दलों द्वारा देश भर में जारी प्रदर्शन के बीच में यह घटना हुई। वहीं दमकल अधिकारियों के अनुसार उन्हें सुबह 7:42 पर इस घटना की जानकारी मिली। दमकल की दो गाड़ियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस उपायुक्त ने कहा कि करीबन 15 से 20 लोग सुबह 7:15 से लेकर के 7:30 के बीच में इकट्ठे हुए। एक ट्रक से ट्रैक्टर को उतारा गया और उसके तुरंत बाद ट्रैक्टर में आग लगा दी गई, लेकिन बाद में ट्रैक्टर को वहां से हटा दिया गया। फिलहाल मामले में कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं वारदात में लोगों की पहचान भी की जा रही है। आप देख रहे हैं एक खास वायरल वीडियो। Thank you.
आज तक की खबर रखे।